हरियाणा में सूरजमुखी की खरीद MSP पर किए जाने की मांग को लेकर शुरू हुआ किसानों का आंदोलन और तेज हो गया है। कल हुआ था लाठीचार्ज, दिल्ली मार्ग को जाम किया था किसानों ने, वहीं दूसरी ओर गिरफ्तारियां भी हुई थी। वहीं आज किसानों का जो आंदोलन है हरियाणा के अंदर तेज हो चुका है और किसान नेता राकेश टिकैत भी इसकी कमान संभालने वाले हैं और वह कुरुक्षेत्र के अंदर पहुँचने वाले हैं। आज वहाँ पर जो है किसानों का प्रोटेस्ट और भी तेज होने वाला है। किसानों ने देर रात ही गुरनाम सिंह चडूनी की गिरफ्तारी का किसानों द्वारा लाठीचार्ज के विरोध में नेशनल हाईवे 152D जाम कर दिया था, जिसके रात 12 बजे प्रशासन ने खुलवा दिया, लाठीचार्ज किया, किसानों को वहां से भगाया। लाठीचार्ज के बाद कुछ किसान घायल भी हुए। वहीं दूसरी ओर राकेश टिकैत हरियाणा की सीमा के अंदर आ जाने वाले हैं और वहाँ पर वे अलग से रणनीति बनाने वाले हैं। संभावना यही बताई जा रही है कि किसान रेलवे ट्रैक को भी जाम आज कर सकते हैं। किसानों को छुड़वाने की मांग को लेकर किसान सड़कों पर उतर सकते हैं। चर्चा यह भी है कि पहले ही बैठक कर रणनीति किसानों के द्वारा बनाई जाएगी ताकि प्रशासन पर किसानों को छुड़वाने के लिए आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाकर नई लड़ाई लड़ने के लिए किसान तैयारी कर रहे हैं। उधर नेशनल हाईवे जाम करने के मामले लेकर पुलिस ने देर रात ही 15 से अधिक नामजद के साथ करीब 700 किसानों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर दिया है। वहीं दूसरी ओर किसानों के समर्थन बजरंग पूनिया का ट्वीट भी एक सामने आया है। पहलवानों के आंदोलन में खुलकर साथ दे रही भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों पर हुए लाठीचार्ज व उनकी गिरफ्तारी के बाद ओपिनियन पहलवान बजरंग पूनिया भी समर्थन में आ गए हैं। बजरंग पूनिया ने ट्वीट कर गिरफ्तार किसानों को तुरंत रिहा करने की जाए और मांग रख दिया। सूरजमुखी की सरकारी खरीद की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र में जाम लगाए किसानों पर लाठीचार्ज करने के साथ ही किसान नेताओं ने गिरफ्तारी की निंदा भी की है और प्रदेश भर के अंदर किसान यूनियन के सदस्यों के अंदर रोष भी फैला है। दूसरी खबरें यह भी आ रही हैं, अम्बाड़ा के साहा में भड़के किसान सड़क पर बिछाई दरी और किया विरोध। सूरजमुखी की फसल की सरकारी खरीद न होने को लेकर किसानों का जहां एक और प्रदर्शन जारी है और अम्बाड़ा साहा मार्ग पर भी भारतीय किसान यूनियन चंडूनी ग्रुप के बैनर तले दर्जनों किसान मार्ग के बीच में रास्ता रोक कर बैठ गए हैं। हरियाणा के अंदर जिधर देखो किसान ही किसान नजर आ रहे हैं और सभी दलों के द्वारा इन जो किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है इसका जो है जमकर निंदा की जा रही है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के अंदर गुरनाम सिंह चडूनी का ग्रुप है, वह प्रभाव रखता है और समय समय पर जब भी आंदोलन होते हैं तो चडूनी ग्रुप के द्वारा वर्ड चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया जाता है और गुरनाम सिंह चडूनी की गिरफ्तारी और उनके साथ अन्य साथियों की गिरफ्तारी का विरोध किसानों के द्वारा हरियाणा के अंदर आग की तरह खबर फैलती है। फिर किसान इकट्ठे होते हैं और सब जगह पर आज किसानों के द्वारा जितने भी नेशनल हाईवे हैं वे जाम लगातार करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस भी मुस्तैद है पर पुलिस किसानों की संख्या को देखकर उन पर कार्रवाई जो करेगी यह तो देखने वाली बातें होंगी, लेकिन किसानों का रोष बढ़ता जा रहा है। सूरजमुखी पर MSP की मांग को लेकर किसान हरियाणा के अंदर लामबंद हो चुके हैं और धरना प्रदर्शन की बातें भी हो रही हैं, लाठीचार्ज की खबरें भी सामने आ रही हैं और किसान राकेश टिकैत के आने के बाद हरियाणा के अंदर किसानों का मामला और भी गर्माने की संभावना जताई जा रही है। देखते हैं किसान और पुलिस और प्रशासन किस प्रकार होता है आमने सामने। क्या किसानों की जो गिरफ्तारी की गई हैं उनको आज रिहा की जाता है? क्या राकेश टिकैत के बाद किसानों का आंदोलन पूरे हरियाणा में भटकता है? क्या साथ के जो सीमा लगते राज्य क्या उनके अंदर भी किसानों में इस आंदोलन को लेकर क्या चर्चाएं शुरू होती हैं? ये सब तमाम बातें देखने वाली होंगी। तो गुरुदेव सिंह सैनी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।